नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपकी क्लिच प्लेट यानी कि सेंट्रीफ्यूगल प्लेट बोलते हैं जिसको, तो इसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का इसका सिंपल सा तरीका है, इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं, इन स्क्रू को हटा लें और इसके नीचे जो पेपर लगा होता है जाके हमारा करंट ना लगे, ठीक है, वो पेपर आप या चेंज कर सकते हैं ताकि नया पेपर अच्छा रहेगा। तो आप इसको स्क्रू वहाँ से खोल लें और खोलने के बाद में आप इसको किस प्रकार से यानी चेंज कर सकते हैं, रिपेयर होने लायक है तो रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको हटा लें दोनों स्क्रू और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। बचा आपके दो वार, इन दोनों वारों को आप यहाँ से खोल लें और खोलने के बाद में आप दूसरी क्लिच प्लेट यहाँ पे सेम इसी प्रकार से लगा के यानी कि चेंज कर सकते हैं। आप ये वार देख रहे हैं दो, ये वार आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये वार यहाँ से निकाल लेना है। अगर आपका ये ख़त्म हो गया तो तोड़ फोड़ के भी निकाल सकते हैं ये क्लिच प्लेट। तो मेरा ये क्लिच प्लेट तो राइट है यानी कि ओके है, इसमें तो प्रॉब्लम दूसरी थी तो इसलिए मैं इसको अच्छे से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, दूसरा क्लिच प्लेट है वो आपको इस प्रकार से सेट करना है ताकि हमारा जो गवर्नर है वो गवर्नर के साथ में कट हो जाए, ठीक है। जैसे गवर्नर काम करेगा तो हमारा क्लिच प्लेट जो यानी कट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सेट करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।